हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल व्यतिकरण फिजिक्स के व्यतिकरण चैप्टर से है। इस न्यूमेरिकल को मैंने थंबनेल में लगा दिया है, आप वहाँ से न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए, आपका सवाल क्या है। सवाल कह रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10^-3 मीटर। स्लिटों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से। स्मॉल डी इज इक्वल टू है 10^-3 मीटर। स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से। और कैपिटल डी की वैल्यू दे रहा है 3 मीटर। तथा फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि डब्लू, और ये दिया हुआ है 2.1 × 10^-3 मीटर। पाई गई, प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम किसे दिखाते हैं? लैम्डा से। लैम्डा क्वेश्चन मार्क है, लैम्डा हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि फ्रिंज की चौड़ाई W इज इक्वल टू होता है कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल D। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा W × d/D। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। W वैल्यू है 2.1 × 10^-3 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू है 10^-3 बाई कैपिटल डी की वैल्यू है 3। 3 × 7 = 21, ये 0.7 आ जाएगा। ये है 0.7 × 10^-3 इसको लिख सकते हैं आप 0.7 × 10^-6। और पॉइंट्स को हम यहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7.0 × 10^-7। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।